प्रॉब्लम है, सुपर हीरोज की मूवी देखे तो हम अपने आप को सुपर हीरो समझने लगते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कान भी लगाती नहीं है क्या? वैसे फालतू हरकतें करते हो, कितने पैसे वेस्ट कर दिए इस फालतू ड्रेस में। इससे अच्छा एक नई जींस ले लेते, गैर वाली साइकिल के लिए पैसे बचा लेते। हेलो, ये फैंसी ड्रेस नहीं, असली है। और मैं एक जगह से दूसरी जगह साइकिल से नहीं उड़ के जाता हूँ, साइकिल की जरूरत नहीं है मुझे। रो, तुम्हें सच में साइकिल की नहीं साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। घर जाके कपड़े होता हर शहर से बालवीर कपड़े होते, ये बालवीर वाली कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कैसे क्या, मैंने तो कभी नहीं देखा बालवीर को। छोटू, दिखती तो हवा भी नहीं है और होती तो है। ओ साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? ओ भाई, अभी इतना भी कैरेक्टर में मत घुसो, बहुत ज्यादा गर्मी है, कपड़ों में पसीना हो जाएगा। ओ केसर पिस्ता, जम क्या गए, कूड़ना बनकर अभी चलो, स्कूल बस आ जाएगी। वैसे एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? बड़ा ही बदतमीज बच्चा है, मेरी नकल भी करके गया। आज जिसे मैं ढूंढने आया हूँ वो ऐसा ना निकले। बच्चे का नाम हो चाहे रिंकी, पिंकी, चिंकी या रिम, सबको मिलेगी फ्री की आइसक्रीम। ले लो फ्री की आइसक्रीम, ये फ्री की आइसक्रीम। जिस बच्चे के हाथ में निशान होगा वही होगा मेरा उत्तराधिकारी। इतने सारे बच्चे एक साथ मस्ती परी, अब एक एक के हाथ कैसे देखेंगे? और इसको देखो, ये तो दूसरी बार आ गया लेने। बेटा, आइसक्रीम टेस्टी होती है लेकिन बार बार खाने से गला खराब हो जाता है ना? मेरे पास एक तरीका है, हम ना जादू से बच्चों के हाथ ऐसे अपनी ओर मोड़ देते हैं और फिर सबके हाथ एक साथ देख लेंगे, है ना? ये क्या कर रही हो मस्ती परी? शौर्य ने कहा था ना कि हम पृथ्वी पे कोई भी शक्ति, कोई भी जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, हमारे आसपास बुरी शक्तियाँ हो सकती हैं जो हम पे नजरें लगाए बैठे हो। आ गई धरती, अब मचेगी तबाही। बालवीर, मैं आ गया हूँ। इस रूप में धरती पर उत्तराधिकारी ढूंढने में शायद कोई मुश्किल हो, मुझे मेरा रूप बदलना होगा। अब इन कपड़ों में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अरे ये कौन जोकर है, तू ऐसे घूम रहा है? पृथ्वी पे जब भी आओ तो लोग हंसते हैं, कोई जानता ही नहीं हमें, अपनी पहचान फैलानी पड़ेगी। मैंने सुना आजकल वो पृथ्वी लोक पे सोशल मीडिया करके कुछ है जिसमें लोग रातों रात मशहूर हो जाते। मेरी बात मानिए, आप भी अपना एक धमकी भरा संदेश डाल दीजिए उस पे, ताकि अगली बार लोग देखते ही इधर उधर भागने लगे। ये खा और अपना मुंह बंद रख। जहां बच्चे वहां बालवीर। ए भाई भाई भाई, पैसा, मनी 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 मनी, पैसा पैसा। ए, ए, ए। पैसा चाहिए बदतमीज।
पैनिक का मनिक, पैनिक का मनिक। मम्मी को आई लव यू भी लिख के देगा, टीचर को लीव नोट भी लिख के देगा, पापा को सॉरी भी लिख के देगा। पैनिक का मनिक, पैनिक का मनिक। फ्री 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 लो फ्री। पैनिक का मनिक, पैनिक का मनिक। उसके हाथ पे भी ठीक तुम्हारे जैसा ही ये निशान होगा। अरे वो सच में बालवीर था। कसम सलमान जी, नहीं था बॉल में से एक ही रहा वो है सलमान। कहाँ जा रहे हो? तुम बहराजा भयमार को ए करके चिल्लाते हो? हाँ? बच्चे कहाँ हैं? स्कूल की छुट्टी हुए आधा घंटा हो गया है, बच्चे गए। तुम लोग क्या सर्कस से छूट के आए हो? यहाँ सर्कस दिखाने का कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा चलो। तुझे हम क्या सर्कस वाले लगते हैं? तू जानता नहीं इन्हें, ये काल लोक के होने वाले भयराजा भयमार है। अबे काटू, ये डंडा पड़ेगा ना तो तेरे महाराज अपना नाम भी भूल जाएंगे। लोगों को उड़ता हुआ देख के बहुत मजा आ जाता है। चलो अब, वैसे स्कूल तो बंद है तो बच्चों को घर घर जाके इकट्ठा करेंगे? नहीं तौबा तौबा, अब हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पहले से ही बहुत भीड़ होगी, बहुत कोहराम मचेगा। छोटू फ्री में पेन। इस बार बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? ये तो वही शैतान बच्चा है। फ्री फ्री का तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। क्यों बार बार यही बच्चा मुझसे टकरा रहा है? पैनिक का मनिक, पैनिक का मनिक, पैनिक का मनिक। भीड़ तो इधर भी बहुत है और बच्चों को सता के बालवीर को पकड़ने का आपका ख्याल भी बहुत अच्छा, लेकिन क्या पता वो धरती पे हो ही ना, अगर कहीं छुप के बैठा हो तो, आया नहीं तो। बालवीर भले ही ना मिले, उससे जुड़ा कोई ना कोई जरूर मिलेगा और हमारे लिए वो भी काफी है। आओ बच्चों आओ, फ्री का टॉफी खाओ। फ्री की टॉफियां बट रही है, भैराजा आपके लिए लेके आओ। इतनी छोटी पोटली में से टॉफियां निकलते ही जा रही है। या तो पोटली में जादू है या फिर पोटली वाली के हाथों में। कहीं ये परियां तो नहीं? हाँ,
जल्द ही काल लोक का तख्त मेरा होगा भैरानी तिमनासा। जाओ भूचाल, पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां जाकर मासूम बच्चों में इतनी दहशत फैला दो कि उनकी रूह कांप उठे। एक एक बच्चा बालवीर बालवीर करके चिल्लाए और जब बालवीर आए अरे क्या बचे लोग, तुम लोग ने वापस मस्ती चालू कर दिया। ए विवान, चल अपनी सीट पे जाके बैठ। अरे फाटक कैसे बंद हो गया? अरे यहाँ से कैसे भी करके बस को निकालो, ट्रेन आ जाएगी। अरे ये बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? अरे बस को आगे बढ़ाओ ड्राइवर, ड्राइवर ट्रेन कभी भी आ सकती है। ये डोर लॉक कैसे हो गया? इतनी सी पोटली में से कितनी किरणें निकालोगी? शौर्य ने पहले ही मना किया था कि धरती पर कोई जादू नहीं करेगा। अरे हाँ, तुम इस पोटली को ही बड़ी कर दी थी हो? अरे नहीं, वो भी तो जादू ही होगा ना। अरे हाँ ठीक है, तो इस पोटली से और कैंडिडेट नहीं निकलेगी, ठीक है? जादू तो इसके हाथों में भी है। मतलब ये मामूली सा खेल है। क्या हुआ भाई राजा, रुक क्यों गए? यहाँ जादू के नाम पे बस हाथ की सफाई हो रही है। बिना बात का समय खराब किया मेरा, चल यहाँ से। अरे अरे रुकिए। आओ।
गए हैं। अब बालवीर को इन्हें बचाने आना ही होगा। बालवीर को पकड़ने के लिए मुझे भेजा होता, भूचाल को क्यों? छोटे मोटे कामों के लिए मैं अपने बड़े के नहीं खोला करती अक्रूर। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, बालवीर को पकड़ने का काम ये कैसे हो गया? छोटा मोटा भूचाल का काम सिर्फ बालवीर को उकसाने का है, ताकि बालवीर जहां भी छुपा बैठा है निकल कर सामने आ जाए। और जैसे ही बालवीर आएगा तो उसका सामना भूचाल से नहीं, तिमनासा से होगा। भी देखता हूं कब तक नहीं आएगा बालवीर। ऐसे में सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, बालवीर। बालवीर, बालवीर, बालवीर। अभी नीचे पृथ्वी पर प्यारे प्यारे से बच्चों के चीखने का मधुर संगीत गूंज रहा होगा। बचाओ, बचाओ, वो प्यारे प्यारे से बच्चे डर के मारे थर थर कांप रहे होंगे और बालवीर बालवीर चिल्ला रहे होंगे। बालवीर, 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 बालवीर। बालवीर सामने आएगा तो सही, पर उन्हें बचाने नहीं, मेरे चंगुल में फंसने के लिए। धन्नी उंगली की कसम बैरानी, आपकी बातें सुनने में बड़ा वो आ रहा है आनंद, लेकिन हैरानी पूरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो मैं पूछना चाह रहा था कि आपने भूचाल को धरती पर तो भेज दिया है, लेकिन धरती पर तो हमारी शक्तियां काम ही नहीं करती, तो फिर इस भूचाल की कहां से करेंगे? और जब उसकी शक्तियां काम नहीं करती तो फिर उसको कैसे पकड़ेगा? बालवीर को। ये जानते हो क्या है? नहीं बैरानी। ये मेरा बनाया हुआ एक जादुई तरल है। इस तरल की खास बात यह है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कहीं ज्यादा है, और ये तरल मैंने भूचाल को दे दिया है। एक बार भूचाल इस तरल से बच्चों को फंसा देगा ना, फिर बालवीर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तड़पेगा लेकिन बच्चों को बचा नहीं पाएगा। पिछली बार तो वो शेर उसे बचाकर ले गया था, लेकिन इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार जब बालवीर आएगा तो मैं मारूंगी नहीं उसे, बल्कि उस शेर का इंतजार करूंगी, और फिर उस शेर के सामने बालवीर को खत्म करूंगी, और फिर उस शेर को। आओ बालवीर, आओ। बच्चे कहीं मुसीबत में, मुझे जाना पड़ेगा। इसका मतलब बालवीर वहां है। अरे बंद करो ये बालवीर का रेडियो, कोई बालवीर वालवीर नहीं आने वाला, बालवीरों का दुआ आएगा ना।
जोर से लगती होगी, तो जाते कैसे हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। कहाँ है बालवीर? बालवीर, 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 कसम सलमान की, ये उड़ के कैसे आ गया? मैंने कहा था ना छोटे, मैं ऐसे ही आता हूँ। कपड़े होता हर शहर से बालवीर का, वो ये बालवीर वाली कुछ नहीं होता। प्री प्री का तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ। उसके हाथ पे भी ठीक तुम्हारे जैसा ही ये निशान होगा। दिल से बुलाया, बालवीर आया। मतलब सच में बालवीर होता है? होता तो है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे बाद अगले बालवीर तुम होंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.